वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड। यश एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो मुख्य रूप से कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं और इनका पूरा नाम नवीन कुमार गावड़ा है। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को भारत के कर्नाटक में हुआ और यश की उम्र 2022 के अनुसार 36 साल है, जिनकी हाइट करीब 5.11 इंच है, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग महाराजा हाई स्कूल मैसूर कर्नाटका से की है, जिनके पिता का नाम अरुण कुमार और माता का नाम पुष्पलता है। इसके अलावा इनकी एक बहन भी है नंदिनी। साल 2016 में यश भाई ने राधिका पंडित, जो कि एक कन्नड़ सिनेमा की एक्ट्रेस हैं, उनसे शादी कर ली। यश भाई हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं और इनकी हॉबीज सिंगिंग और एक्टिंग भी है। इसके अलावा इनका एक बेटा आयुष और बेटी आयरा भी है। KGF चैप्टर 1 से स्टार बने यश को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ा। उन्हें बचपन में ही एक्टिंग का शौक चढ़ गया था। वो कहते हैं ना, जब एक्टिंग का कीड़ा आदमी के अंदर आ जाए तो उसे सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बस शर्त है कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। वो बात अलग है कि किस्मत आपका साथ ना दे। खैर छोड़िए, तो यश एक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए जेब में 300 रुपए रख कर घर से भाग गए थे। उनके पिता BMTC में बस चलाते थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी एक सरकारी अधिकारी बने, लेकिन ठीक इसके अपोजिट यश नाटकों और डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे और उस दौरान जो सीटियां बजती वही उनके अंदर पल रहे एक कलाकार को प्रेरित करती थी। और वह जब घर से भाग कर बेंगलुरु पहुंचे तो वह बहुत घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वह वापस गए तो उन्हें घर वाले वापस नहीं भेजेंगे और उन्होंने डिसाइड करके मेहनत करने लगे। यश को स्ट्रगल करने बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बेंगलुरु में वह थिएटर के साथ बैक स्टेज काम करने लगे। इसके साथ ही फिल्मों में आने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया। यश ने साल 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगिना मनाशु से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद राजधानी, गजा केसरी, मास्टरपीस जैसी फिल्मों से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। उनकी फिल्म KGF चैप्टर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। इस मूवी ने साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट में भी ताबड़तोड़ कमाई की और आज इन भाई साहब को सब लोग रॉकी भाई के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आप रॉकी भाई को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें।